नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद आपके व्यापार को दौड़ा सकता है, आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? अगर नहीं तो इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है, इसलिए अंत तक देखना ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र में शहद के कई ऐसे प्रयोग हम आपको आज बताने वाले हैं जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर शनि की साढ़े साथी ढैया या कुंडली में शनि नीच का होकर बुरे फल दे रहा है तो घर में एक मिट्टी के पात्र में शहद रखना चाहिए और मंदिर में शहद का दान करना चाहिए। इससे शनि के बुरे फल मिलना बंद हो जाएंगे। घर में शहद रखने और खाने से शनि शांत रहता है। वहीं चतुर्थ भावास्थ मंगल अगर अशुभ हो तो शहद का व्यापार भूलकर भी न करें। मंगल चौथे भाव में मंदा होकर बैठा हो तो इसकी शुभता के लिए मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे शमशान भूमि में दबा देना चाहिए। इसी तरह पहले भाव में सूर्य हो तो रविवार के दिन शहद का दान करना चाहिए। इससे उसके बुरे प्रभाव दूर होकर व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव में केतु हो तो चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में रखें। इससे केतु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो वहीं आठवें भाव में बुध ग्रह के अशुभ परिणामों को कम करने के लिए मिट्टी के घड़े में शहद भरकर शमशान भूमि में दफन करना शुभ बताया गया है, क्योंकि बुध के खराब होने से व्यापार नौकरी में नुकसान होता है। इसके अलावा अगर शुक्र बुरे फल दे रहा हो तो चांदी या मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर घर की छत पर उचित स्थान पर सुरक्षित रख दें। शुक्र के खराब होने से स्त्री, धन, भूमि, वाहन और भवन सुख से व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो वहीं मंगल की शांति के लिए बहते पानी में शहद बहाएं। नौवे भाव में अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो जातक को कड़ी मेहनत से धन कमाना पड़ता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आप घर की नींव में शहद दबाते हैं तो शुक्र के शुभ फल मिलने लगते हैं। और अगर कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र बैठा है तो शहद का दान करना चाहिए। इससे मंगल का उपाय होता है जो कि संतान की समस्या दूर करता है। अगर जातक स्त्री हो तो शुक्र की संतान की समस्या देता है, जबकि जातक के पुरुष होने पर पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।